वेलकम बैक. वी विल कंटिन्यू आर डिस्कशन ऑन एनजाइटी डिसऑर्डर्स. डॉक्टर साहब, आपने एनजाइटी डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की बात की थी प्रीवियस सेगमेंट में. सर, इसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है? हमारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन दो सिस्टम्स हैं. एक है WHO की, जिसको हम ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, और आजकल ICD-10 चल रहा है. और दूसरा जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, उसको हम DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. वो DSM-5 अब 6 अब एडिशन हो रहा है. ये हर 5 साल ये इसकी मतलब नए एडिशन बनती है. जब जितनी साइंस डेवलप करती है और ब्रेन की जो नॉलेज है और साइंस है, उसकी न्यूरोलॉजी और ब्रेन उसकी जो फंक्शनिंग है उसके मुताबिक नॉलेज डेवलपमेंट होती है, तो उसके मुताबिक ये बार बार उसको रीक्लासीफाई करते हैं. के मतलब है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में के सपोज़ वो देते हैं क्राइटेरिया कि ये एक ज़रूरी होना चाहिए अगर हम इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहें, और 10 देते हैं कि इसमें 5 लाजमी होनी चाहिए. तो एक और ये मतलब है 5 सब, तो इस बेस पे हम इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं. इस तरह डिप्रेशन के भी अपने हैं, मूड डिसऑर्डर के अपने हैं, शिज़ोफ्रेनिया के अपने हैं. तो वो एक क्लासिफिकेशन है और हम उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन करते हैं और रिसर्च भी करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम रिसर्च भी करते हैं जी. सर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो एटियोलॉजी है वो मल्टी फैक्टोरियल है. एक तो इसकी जेनेटिक काज है, मतलब है कि इसमें रिसर्च किया गया है कि मानो जैगैटिक ट्विंस में और डायजैगैटिक ट्विंस में इसकी स्टडी की गई है. मानो जैगैटिक ट्विंस मतलब है कि जब दो जो ट्विंस हो और एक ओवम से बने, एक एक से बने, तो उसमें अगर स्टडी किया गया है इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का. और एक डायजैगैटिक है जो डिफरेंट दो अलग अलग ओवम से, ट्विंस हैं लेकिन उनके दो अलग अलग ओवम से बने हैं. तो मोनोज़ाइगोटिक जो एक कोम से दो बने हैं उसमें जो कनकॉर्डेंस रेट है वो 70-80% है. अगर एक में है तो 70-80% दूसरे में भी है. और ये दूसरे में जो है वो डायज़ाइगोटिक में वो तकरीबन 20% है. तो ये प्रूव करता है कि इसमें जेनेटिक का रोल मतलब मौजूद होता है. और उसमें फिर वो एक बायोलॉजिकल काज भी है, जिसमें ऑटोनॉमिक जो है वो एक रिएक्शन होता है एक स्ट्रेस को. और मतलब इसमें फिर कैटाकोलामीन्स नॉरएपिनेफ्रिन वो प्रोडक्शन होती है एक्सेसिव, वो उसकी सिवियर वो सारे एंग्जाइटी जो सिम्टम्स हैं वो काज करती है. इसके अलावा मतलब है कि जो गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड एक एंजाइम है, उसमें कमी आ जाती है क्योंकि ये इनहिबिटरी है, वो इरिटेबिलिटी को इनहिबिट करती है. जब ये इसकी कमी आ जाती है तो इरिटेबिलिटी और एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है. इसमें एड्रेनर्जिक जो पाथवे है डोपामिनर्जिक है वो उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व है. एंडिनर्जिक डिसफंक्शन है, डोपामिनर्जिक इसमें इंक्रीज हो जाती है. इसमें बाज़ केसेस में मतलब है कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में है उसमें 50% केसेस में, अगर 100 केसेस हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो उसमें 50 केसेस मिट्रोवल प्रोलैप्स के भी निकल आए हैं. आयो कोई इंसिडेंट्स है या इसका कोई रिलेशन है कि नहीं, लेकिन ये एक रिसर्च के हवाले से है. इसके अलावा ये टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है और ये फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है. इसमें सेरोटोनिन नर्जिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें कार्डियक न्यूक्लियस ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. और इसमें मतलब है जो MRI के कुछ इसमें रिपोर्ट्स में और इससे एडवांस जो पेट है पॉजिट्रॉन
एमिशन टोमोग्राफी एक एडवांस जिस तरह MRI से ऊपर वो ब्रेन के फंक्शन को उसको मतलब यानी इंडिकेट करती है, बताती है, रिपोर्ट देती है, तो ब्रेन के उसमें फंक्शंस में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये कुछ मतलब एक बायोलॉजिकल है, एक कुछ ये साइकोलॉजिकल भी चीज़ें होती हैं। इसमें होता है ना कि उस दिन हम एड की बात कर रहे थे, तो कोई एड जो बेसिक इंस्टेंट होते हैं वो कहते हैं कि ये जो अर्जेस हैं इंस्टेंट है वो फ्लश करते हैं कॉन्शियस माइंड को, और ये एंग्जाइटी मतलब डिसऑर्डर्स से मतलब शक्ल में नमूदार होती है। एक हमारा वो एक है फ्रेडियन थ्योरी, वो एक मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, इसको एक रिप्रेशन कहते हैं, कि बहुत सी चाइल्डहुड में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नागवार होती हैं, और हम उसको एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग है इंड्यूसिंग वो वाक़यात होते हैं और हम उसको बुलाना चाहते हैं एंड वो रिप्रेस्ड हो जाते हैं अनकॉन्शियसली एंड वी फॉरगेट दोज इवेंट्स एंड देन वी फॉरगेट दैट वी हैव फॉरगॉटन एनीथिंग। तो वो जिस तरह वो मैं कहता हूँ ना कि वो चीज़ें इवन समंदर के तह में रहती है, होती तो चली जाती है लेकिन समंदर की तह में वो कभी कभी इस तरह सिचुएशन आ जाती है वो कि समंदर की तह से ऊपर समंदर की सतह पे आती हैं और उसमें वो लहरें वेव्स डेवलप कर लेती हैं। तो वो भी मतलब एक है साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन भी है, डिनाइल भी है, तो और भी डिफेंस मैकेनिज्म है, उस पर किसी वक्त हम बात करेंगे। तो एक ये है कभी ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है, तो ये मतलब एक मुख्तसर इसकी एटियोलॉजी बनती है। सर आपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की, हार्मोनल फैक्टर्स की बात की, सर क्या कोई ऐसे एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो एंजाइटी कॉज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी है कि जब इन्वायरमेंटल में स्ट्रेसर हो और स्ट्रेसर कंटिन्यूस हो तो उसमें एक एंग्जाइटी इंड्यूस हो जाती है बंदे में, और वो फिर बंदा उसका थ्रेशोल्ड जो लेवल है वो कम हो जाता है, ही बिकम्स कंडीशन, कंडीशनिंग होती है उसकी स्ट्रेसर से। अगर मामूली सी स्ट्रेसर भी हो तो वो पर उसको एंग्जाइटी डेवलप होती है, क्योंकि वो उसकी एक कंडीशनिंग हो चुकी होती है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। बिल्कुल सर। सर हाउ इज़ अ पेशेंट विद एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस्ड? ये जो मैंने मतलब जब पेशेंट आते हैं तो हम उससे जब पूछते हैं तो फिर उनके सिम्टोमेटोलॉजी में जिस तरह मैंने बताया हम उसको देखते हैं कि कंटिन्यूस है, परसिस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट है, जनरलाइजिंग एंजाइटी डिसऑर्डर में फिट होता है, पैनिक में होता है, या स्पेसिफिक फोबियाज में है, सोशल फोबिया, जिस तरह मैंने बताया, उनके सिम्टोमेटोलॉजी को देखकर हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये चीज़ है। एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं बाज, मतलब कि इस तरह लैक्टेट इन्फ्यूजन यानी देते हैं एक्सपेरिमेंटल, कि वो भी पैनिक अटैक खास कर लेती हैं। तो एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इस तरह हुए हैं। सर कोई क्लिनिकल टेस्ट्स किए जाते हैं? नहीं, हम मतलब जिस तरह वो मैंने कहा ना कि ये लैक्टेट एक्सपेरिमेंटल, एक एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हम मतलब ये सिम्टोमेटोलॉजी पे हम मतलब है कि जब उसकी डिस्क्रिप्शन लेते हैं मरीज की, फिर ये उसको फेनोमेनोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं कि ये मतलब ये एंग्जाइटी का है, ये डिप्रेशन का है, या ये डिल्यूजन्स है, ये ऑब्सेशनल है, तो फेनोमेनोलॉजी, फिर इनकी मतलब है जो साइन सिम्टम उसको फेनोमेनोलॉजी में, फिर इसकी इंटरप्रटेशन करते हैं कि ये आया एंग्जाइटी डिसऑर्डर में फिट होता है, ये डिप्रेशन में फिट होता है, या साइकोसिस में फिट होता है। तो मतलब है वहीं से ये चीज़ें हम फाइनली करते हैं कि तो उस नतीजे पे पहुँचते हैं डायग्नोस पे।
सर, एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज क्या है? इज इट मैनेज थ्रू मेडिकेशन और थ्रू सम अदर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स? इसमें अब यानी शुरू में जब मैंने साइकेट्री स्टार्ट की थी 1985 में, तो वो ज़्यादा ऑर्गेनिक ओरिएंटेड थी कि बस ड्रग्स है, ECT है, इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव थेरेपी है, फिर इस तरह चीज़ें बढ़ती रही। उस वक्त से भी मैं मतलब मेरा था कि वी शुड सी पेशेंट होलिस्टिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरमेंटल जो कंटेक्स्ट में, और उसकी पर्सनैलिटी उसके कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। तो मतलब है कि एक तो मतलब है कि एक रिलेशनशिप ठीक हो, इंटरपर्सनल लाइफ, मतलब जो लाइफ सादी, लाइफ भी सादा हो, एनवायरनमेंट भी क्लीन हो, हेल्दी हो, स्लीप हाइजीन ठीक हो, डाइट भी ठीक हो, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह डाइट वगैरह, मतलब ये चीज़ें ठीक हो। ये कैफीन और ये चीज़ें जो कैफीन जो फ्लूइड्स जो हैं वो इंक्रीज करती है एंजाइटी को, तो अवॉइड करनी चाहिए। कैफीन कंटेनिंग जो ड्रिंक्स हैं उनको मतलब करनी चाहिए। कुछ ये भी है कि जो वर्क एंड रिक्रिएशन लेजर, ये भी कुछ बैलेंस रखना चाहिए कि वर्क लोड, सारा वर्क लोड इतना हो कि रिक्रिएशन रिफ्रेशमेंट के लिए वो वक्त ही ना मिले, मिल सके, तो उसको भी एक बैलेंस करना चाहिए। इसके अलावा फिर हम जब अगर सीवियर हो और 6 मंथ्स तक बढ़े, और जिस तरह मैंने कहा ना कि परसिस्टेंट हो और लीडिंग टू मतलब सीवियर लीडिंग टू सोशल फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट, तो फिर ड्रग्स की तरफ, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपी है। उसमें मतलब पहले पुराने ड्रग थे ट्राईसाइक्लिक, अब नए ड्रग है इसे सारा ही सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, एसिटिलोप्राम है, उसमें पेरोक्सेटीन है, विनलोफिक्सिन है, और SNRIs वगैरह हैं, तो ये ड्रग्स हैं और इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। पल्पिटेशन के लिए प्रोपेनॉल वगैरह हम मतलब वो देते हैं, इसमें हम बेंजोडाइजेपिन भी देते हैं। इसमें मतलब है कि बेंजोडाइजेपिन में ब्रोमिजेपाम है, लोरजेपाम है, डायजेपाम है या अल्प्रजोलाम है, लेकिन हम इसको 3-4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं देते क्योंकि ये एडिक्शन काज करती है। हम जो मेडिसिन देते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट जब वो बॉडी तक यानी इंटर होती है ड्रग, ब्लड तक, फिर वहाँ से ब्रेन तक उसके इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो उसमें 3 हफ्ते लगते हैं। तो इस दौरान मतलब वो पेशेंट के लिए वो इतना एंग्जाइटी में होता है कि उसके लिए सब्र करना मुश्किल है, तो हम 7 बेंजोडाइजेपिन देते हैं दिन में 3 बार, फिर हफ्ते बाद 2 कर दें, फिर 1 हफ्ते बाद 1 कर दें, फिर बंद कर दें या हाफ कर दें या बंद कर दें। उस वक़्त ये फिर उसका अपना ड्रग जो है वो SSRIs वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये भी कर लेते हैं लोग कि वो SSRI जो एक्चुअल ड्रग है वो छोड़ देते हैं और जो बेंजोडाइजेपिन जो आरजी काम करते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में मेमोरी भी इफेक्ट करती है, सेक्शुअली भी डिसफंक्शन काज करती है और एडिक्शन भी काज करती है। साइकोथेरेपीज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो आपने कहा ये हिस्ट्री पे है, एक चीज़ मैं इस वक्त भूल गया, साइकोमेट्री बड़ी, ये भी बड़ी हेल्पफुल है जो यानी एनालिसिस करती है, जो टेस्ट हैं साइकोमेट्री के, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो मतलब है कि, और एंग्जाइटी रेटिंग स्केल्स हैं कि कितना लेवल का, कितने ग्रेड का जो एंग्जाइटी है। अब नए नए स्केल्स निकलने शुरू हो गए, और रोशा टेस्ट वो मतलब है, और इसमें जो ड्रा अ पर्सन है ठीक है वो एक करता है उसके के उसकी ऑब्सेशनल और फोबियाज के उसे कहाँ से रिलेटेड है, जो वो बंदे की शक्ल उसको ड्रा करता है तो उससे वो रिलेटेड है। और मिनेसोटा जो मल्टीफेजिक एक वो है इन्वेंट्री वो है, और बिंडर और गिलस्टार्ट एक
जो साइकोमेट्री के कुछ टेस्ट हैं, इस तरह ये चीज़ें भी मतलब है कि क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल साइकोमेट्री ये सब को मिलाकर उसका पूरा असेसमेंट किया जा सकता है। तो वो साइकोथेरेपी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम इसको कहते हैं, उसकी जो डिस्टॉर्टेड कंडीशन होती है उसको रिकरेक्ट करते हैं एंग्जाइटी के हवाले से। सपोज़ वो एक है एंग्जियस है, वो डिलीवर कर रहा है, एक बंदा उठ गया तो वह कहता है कि इसने मुझे इग्नोर किया या ही रिडिक्यूल मी, तो वो शायद हो सकता है कि वॉशरूम जाना चाहो या उसको इमरजेंसी कॉल आई हो, तो वो हम उसको इसकी CBT में इसकी यानी एक कंडीशन के थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और बिहेवियर के थ्रू इसकी जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं, उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। और रिलैक्सेशन डिसेंसिटाइजेशंस वो एक टेक्निक है कि पेशेंट को बिठाया जाए कोच पे, उसको ऑटो सजेशन दे, हिप्नोटाइजेशन हो और रिलैक्स करे और डिसेंसिटाइज करे उस फोबिया से। और बाज़ इस तरह हैं कि वो सफ़र जाने से रोकते हैं, मतलब वो हवाई जहाज़ नहीं जा सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते, तो सारा मतलब ये डिसेंसिटाइजेशन और रिहेबिलिटेशन से इसको बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये चीज़ें हैं सब मिला के एक जो यानी इसका साइकोथेरेपी प्लस फार्माकोथेरेपी इफ इट कंबाइंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। ऑलराइट सर, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेकंड सेगमेंट अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेगमेंट। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।